नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। एक बार फिर कोरोना को लेकर दुनिया भर में दहशत का माहौल है। इस बार इस डर का कारण है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। ये नया वेरिएंट भारत समेत कुल 34 देशों में पाया गया है। इधर भारत के इसके मामले सामने आने के बाद देश भर में डर का माहौल है। हालांकि इस वेरिएंट के बारे में वैज्ञानिक अभी तक कुछ स्पष्ट कह पाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन को लेकर रिसर्च की गई है। रिसर्च में कहा गया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए लोगों को बदन दर्द, तेज सिर दर्द और थकान की शिकायत है। किसी में गंध और स्वाद चले जाना, नाक बंद होने या बुखार की शिकायत नहीं देखी गई है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन के इसके लक्षण अलग और हल्के हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट आरटीपीसीआर जांच में पकड़ में आता है। दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष एंजेलिक क्वेटजी ने भी इसके लक्षण के बारे में जानकारी दी है। एंजेलिक क्वेटजी पहली अधिकारी थी जिन्होंने कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में दक्षिण अफ्रीकी सरकार को अलर्ट किया था। उन्होंने बताया था कि अभी तक की समझ के मुताबिक रैपिड जांच से बता सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं। अगर ओमिक्रॉन के संक्रमण के लक्षणों को देखें तो पता चलता है कि अगर मरीज में लक्षण डेल्टा जैसे नहीं है तो वो ओमिक्रॉन से संक्रमित माना जा सकता है। क्वेटजी के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण डेल्टा वेरिएंट से अलग और हल्के हैं। ओमिक्रॉन में अधिकतर थकान और सिरदर्द की शिकायत ज़्यादा मिल रही है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।